हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की गतियों के विषय में। पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां होती हैं और उनके कौन से प्रभाव हैं, वो कौन से प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी के विषय में अपने विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपके रीट के सामाजिक अध्ययन की जो परीक्षा है उसमें नया जोड़ा गया है। दोस्तों, कुछ टॉपिक जो है आपको 11 जनवरी के सिलेबस में नए मिले हैं, हम उनका अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि बाकी सिलेबस अपना हो चुका था दोस्तों। और उन सिलेबस के साथ ही हमने इन नए टॉपिक्स की प्लेलिस्ट को भी ऐड कर दिया है दोस्तों। तो आपको सारी प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, न केवल SST की बल्कि आपको साइकोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस भी यहाँ पर पूरा करवाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको पूरी अच्छे से PDF भी दी जा रही है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा होगा और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, हम शुरू करें आज की क्लास को। तो ये देखिएगा, ये आपका यूनिट नंबर 6 है, इसमें से अक्षांश और देशांतर अपने कर चुके थे, पृथ्वी की गतियां ये अपने आज अध्ययन करने वाले हैं। पिछले सिलेबस के अंदर पृथ्वी के घटक के रूप में हमने इसका काफ़ी कुछ अध्ययन किया था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर अब ये अलग से टॉपिक में दे दिए गए हैं तो हम इनका और भी अच्छे से विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। कठिनाई स्तर जो आपका 12वीं तक दे रखा है वहाँ और उससे ज़्यादा भी जो भी प्रश्न आपसे इससे संबंधित हैं उन सभी को समझने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में भी आएगी और आपके लिए उपयोगी भी रहेंगी। तो सबसे पहले हम देखें पृथ्वी की गतियों में, तो पृथ्वी का आकार कैसा है दोस्तों। पृथ्वी का आकार है गोलाब। गोलाब का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ध्रुवों पर तो ये क्या है, चपटा है, और विषुवत क्षेत्र पर ये क्या है, विस्तृत है, यानी यहाँ से इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ से चपटा भी है दोस्तों, बिल्कुल गोल गेंद की तरह ये नहीं है। इसकी आकृति के लिए गोलाब शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब हम कहें ये ऐसा क्यों है, ये पृथ्वी का आकार ऐसा क्यों हो गया, तो इसका कारण ये है कि पृथ्वी में क्या होता है दोस्तों, घूर्णन। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के ऊपर क्या कर रही है दोस्तों, घूर्णन कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और जब देखिएगा कोई चीज़ जो है वो ऐसे वृत्ताकार पथ में चलती है तो उसके ऊपर एक बल भी लगता है दोस्तों, केंद्र से एक अपकेंद्रीय बल लगता है, जिसके कारण पृथ्वी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या हो गई है दोस्तों, विस्तृत हो गई है। हमने कहा केंद्र से जो बाहर की ओर बल लगता है उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ज़्यादा विस्तृत हो गई है। इस बल के कारण ही ये यहाँ से ध्रुवों पर तो चपटी हो गई है दोस्तों और भूमध्य रेखा पर ज़्यादा विस्तृत हो गई है दोस्तों। इस तरह से हम पृथ्वी का आकार देखते हैं ना, यहाँ पर विषुवत रेखा पर ये क्या है, थोड़ी विस्तृत ज़्यादा है। अब आगे देखें हम पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम है। ये जो त्रिज्या है पृथ्वी की जो है ध्रुवीय क्षेत्रों पे तो कम हो गई, यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से चौड़ाई ज़्यादा होगी दोस्तों। इसलिए भूमध्य रेखीय जो हमारा क्षेत्र है इसके अंदर गुरुत्वीय बल क्या होता है, कम लगता है, और ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है, ज़्यादा होता है दोस्तों। क्योंकि ये दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पर जो होगी उसको बल कम लगेगा, लेकिन ये दूरी कम है इसलिए क्या होगा, ध्रुवीय क्षेत्र पर बल जो है वो अधिक लगता है, यहाँ से क्या है विस्तृत ये ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर गुरुत्वीय बल कम होता है। और आपने देखा होगा जो भी रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं वो समुद्री किनारा जो हमारा जो किसी भी महाद्वीप का किनारा है वहाँ से छोड़े जाते हैं और यहीं पर छोड़ते हैं। क्या कभी आपने सुना ये कि भी किसी भी रॉकेट को छोड़ने के लिए हम ध्रुवों पे गए हों दोस्तों, तो वहां पर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। पृथ्वी जो हमारी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों। किधर घूमती है पृथ्वी हमारी, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये बात आप याद रखिएगा, किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, चाहे वो परिभ्रमण गति हो चाहे परिक्रमण गति हो, दोनों के अंदर उत्तर आपका सेम ही रहेगा, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर ही घूम रही है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिएगा, अगर हम बात करें पृथ्वी की गतियाँ कितनी होती हैं, तो पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ हैं, एक परिभ्रमण गति है और दूसरी आती है परिक्रमण गति। बड़ी आसान भाषा में आप अगर एक को समझ लेंगे दोनों में से किसी में भी दिक्कत नहीं होती। ये क्या है दोस्तों, परिक्रमा, आप इसको इस तरह से समझिएगा, परिक्रमा। आप देखिएगा मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के ये यहाँ पर देखिएगा मूर्ति बनी हुई है, इसके चारों ओर एक देखिए दीवार होती है, ये मंदिर की बाहरी दीवार आ गई, ये आपका मंदिर का द्वार आ गया। यहाँ से आपने जो मूर्ति के दर्शन किए तो उसके बाद में आप क्या करते हैं,
यहाँ से परिक्रमा करते हैं कि नहीं करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप परिक्रमा किसके चारों ओर करते हैं, इस मूर्ति के चारों ओर करते हैं। तो परिक्रमा जो होती है वो किसी चीज़ के चारों ओर होती है। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति कौन सी होगी, ये सूर्य हो गया, तो सूर्य के चारों ओर जो गति होगी वो गति कौन सी होगी दोस्तों, परिक्रमण हो गई। यानी सूर्य के चारों ओर जो गति होगी वो तो कौन सी होगी, परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए हम इसे परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। और परिभ्रमण का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अपने अक्ष या धुरी पर घूमना। पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक तो वो अपने अक्ष, इस अक्ष पर घूम रही है या अपनी धुरी पर घूम रही है दोस्तों, साथ ही साथ वो इसके चक्कर भी लगा रही है। यहाँ मान लीजिएगा आपकी पृथ्वी है तो ये ऐसे भी घूम रही है और ये ऐसे भी घूम रही है, दो गतियाँ इसकी संभव होंगी दोस्तों। वापस समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये हमारा सूर्य रह गया, पृथ्वी यहाँ है, ये अगर इसके चक्कर लगा रही है, इसके चारों ओर घूम रही है, तो साथ ही साथ ये अपने अक्ष पर भी घूम रही है। जैसे लट्टू आपने देखा होगा अपने अक्ष पर घूमता है, चक्री आपने बच्चों के समय देखी होगी, जब आप छोटे बच्चे थे तो आप घुमाया करते थे अक्ष पे, वो घूमती थी, वैसे भी घूम रही है और साथ ही साथ वो गति भी किया करती थी। देखिएगा लट्टू ऐसा तो है नहीं कि एक जगह आपने खड़ा किया वहीं घूमता रहेगा, वो आगे चलता भी है। तो वैसे ही पृथ्वी भी क्या है, वो अपने अक्ष पर भी घूम रही है और वो एक गति भी कर रही है। तो अपने अक्ष पर घूमने को तो हमने क्या कह दिया, परिभ्रमण गति। और जब वो किसी चीज़ के चारों ओर घूम रही है तो उसे हम परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। पृथ्वी की धुरी या अक्ष किसे कहते हैं, अब हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की कि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष या धुरी पर घूम रही है दोस्तों। तो यह देखिएगा, धुरी या अक्ष हम किसे कहते हैं, वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी घूर्णन करती हुई प्रतीत होती है दोस्तों। हमने कहा कोई ऐसी धुरी है नहीं कि जिसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर हम ऐसा सोचें कि पृथ्वी के अंदर कहीं ऐसी धुरी या लकड़ी बनी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है और हम ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रही है, घूमती हुई हमें प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, धुरी या फिर अक्ष कहते हैं, उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये हमारी काल्पनिक रेखा है कि इसके चारों ओर जो है ये घूम रही है, तो इसे हम, इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, धुरी कहें चाहे अक्ष कहें, दोनों एक ही बात है दोस्तों। पृथ्वी की धुरी लंबवत से कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इधर ऊपर से अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। इस झुकाव को ही हम पृथ्वी का क्या कहते हैं, अक्षीय झुकाव कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लंब से कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, दोस्तों पूरा समझ में आ जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया पृथ्वी का, ये पृथ्वी का कक्षीय समतल हो गया दोस्तों। तो लेकिन ये हमारी क्या है दोस्तों, ये धुरी हो गई ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अक्ष कहते हैं, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, धुरी कह सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये जो अपने कक्षीय जो लंब है उससे कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। तो फिर ये यहाँ से जो है पृथ्वी के कक्षीय समतल से कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ये टोटल 90 डिग्री है, इसमें से आप आराम से निकाल लेंगे, इतना जोड़ घटाव तो उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा दोस्तों। तो इसलिए कर्क रेखा यहाँ हो गई, विषुवत रेखा यहाँ हो गई, मकर रेखा यहाँ हो गई। ये ऐसे नहीं है, सीधी नहीं है दोस्तों, हम बनाते समय इनको ऐसा बनाते जरूर हैं, लेकिन ये वास्तव में कैसी मानी गई है, इस प्रकार से ही। इसीलिए तो जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कर्क अयनांत और मकर अयनांत विषुव के बारे में अपने बात करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप पृथ्वी की धुरी को अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये जो देखिए आपका झुकाव है, ये कौन सा झुकाव हो गया, लंबवत हो गया। और अगर आपसे पृथ्वी का कक्षीय समतल झुकाव पूछे तो वो कितना हो गया, 66.5 डिग्री, 90 में से घटाएंगे तो इतना आपके पास में आ जाएगा। और ये काल्पनिक रेखा है जिसे हम अक्ष या धुरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ें और हम देखें परिभ्रमण गति किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर गति करती है जिसे हम परिभ्रमण गति कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये अभी तक आप समझ चुके हैं, अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर जो घूर्णन करती है उसे हम परिभ्रमण गति कहते हैं। इसे दैनिक गति भी कहते हैं क्योंकि इससे दिन और रात बनते हैं, ये दैनिक गति है, 24 घंटे में पूरा कर लेती है दोस्तों। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। पृथ्वी किधर से किधर घूमती है दोस्तों, पश्चिम से
पूर्व की ओर घूमती है जिसे परिभ्रमण गति के नाम से जानते हैं। पृथ्वी एक परिभ्रमण में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। इसको राउंड फिगर में अपने 24 बोल सकते हैं, लेकिन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। तो परिभ्रमण किसे कहते हैं? परिभ्रमण गति अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना जो है उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। और अक्ष पर कैसे घूमती है दोस्तों? ये अपना पश्चिम है और ये अपना पूर्व है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और ये घूमने में कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय ये ले लेती है दोस्तों। तो यहाँ आप इसको अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे घूमती है ये। इसका रोटेशन मोशन कहते हैं अपने इसको इंग्लिश के अंदर। तो ये कौन सी है? ये परिभ्रमण गति है दोस्तों, इस प्रकार से ये घूमती है। उम्मीद करता हूँ ये हमारा हो गया घूर्णन, उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। आगे यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं, ये हमारी घूर्णन गति है, ऐसे घूम रही है। चित्र में आप अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी इधर जा रही है, यानी पश्चिम से कहाँ जा रही है दोस्तों? पूर्व की ओर जा रही है, यही हमारी परिभ्रमण गति होती है। अब देखिएगा, हम समझें कि इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है, इसी के कारण हमें सूर्य जो है पूर्व से उदय होता हुआ दिखाई देता है और पश्चिम में अस्त होता है दोस्तों। पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इधर पश्चिम है दोस्तों, इधर पूर्व की ओर जा रही है दोस्तों। तो सूर्य तो अपनी जगह ही है, लेकिन यहाँ पर हम घूम रहे हैं तो घूमते समय ये हमारे सामने आ जाता है, इसलिए हमें पूर्व से उदय होता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। और पश्चिम में क्या होगा? अस्त होता हुआ दिखाई देगा। परिभ्रमण गति के कारण ही क्या बनते हैं दोस्तों? दिन और रात। यही प्रश्न आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। परिक्रमण गति के कारण देखिएगा ऋतुएं बनती हैं, मौसम बनते हैं, और परिभ्रमण गति के कारण दिन व रात बनते हैं दोस्तों। दिन और रात मिलाकर के दिन यानी 24 घंटे पूरे होते हैं, तो 24 घंटे में कौन सी गति होती है? परिभ्रमण होती है। इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं भाई, देखिएगा 24 घंटे लगे, 24 घंटे में क्या आए? दिन और रात आए, और 24 घंटे में दिन और रात पूरे हो गए, तो मतलब क्या हुआ दोस्तों? दिन और रात किससे बन रहे हैं? 24 घंटे से बन रहे हैं। और 24 घंटे में देखो वो सूरज के चारों ओर तो घूम नहीं सकती, वो अपने अक्ष पे ही घूम सकती है, तो अपने अक्ष पर घूमती है, उसे हम क्या कह रहे थे? परिभ्रमण गति के नाम से जान रहे थे दोस्तों। वह काल्पनिक व्रत जो दिन और रात वाले स्थान को अलग करता है, उसे हम प्रदीप्त व्रत के नाम से जानते हैं। काल्पनिक व्रत है दोस्तों, यहाँ आगे डायग्राम में भी अपने इसको देख लेंगे। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, जो प्रभाव पड़ता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति के कारण ही नक्षत्रों और तारों के भी हमें घूमने की जो अपनी दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देती है। क्योंकि हम पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, ये यहाँ हैं, तो हमें ये इधर से आते हुए अपने को दिखाई देंगे कि जो तारों की गति है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, लेकिन हमारी गति वास्तव में कौन सी है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये भी इसका परिभ्रमण का ही एक प्रभाव है दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। ये जो रेखा हो गई जहाँ दिन और रात अलग होते हैं, यहाँ से देखिएगा सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जो सूर्य के सामने हैं, जो सूर्य के सामने हैं वहाँ पर तो क्या हो गया दोस्तों? दिन हो गया। जो सूर्य के पीछे हैं वहाँ पर क्या हो गई? रात हो गई। ये छाया का क्षेत्र ही तो है ना, और है ही क्या इसमें? ये जो रेखा है यहाँ पर दिन और देखिए सूर्य का प्रकाश यहीं तक पहुँच पा रहा था, इसलिए यहाँ तक रोशनी थी। यहाँ से जो अपनी गोलाई वो चेंज होगी, इसलिए यहाँ ये जो व्रत बनता है, इस व्रत को हम प्रदीप्ति व्रत के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं परिभ्रमण गति के ही कुछ और प्रभावों के विषय में। इसी गति के कारण ही भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक उभार है और ध्रुवों पर चपटापन है। हमने कहा पृथ्वी ऐसी क्यों है? कोई भी कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो क्यों होता है? उसका कोई ना कोई कारण है दोस्तों। तो पृथ्वी अगर ऐसी है तो उसका कारण ये है कि पृथ्वी परिभ्रमण कर रही है, इसीलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उसका जो उभार है वो ज़्यादा है और ध्रुवों पर हमें चपटापन देखने को मिलता है।
इसके कारण ही देखिएगा हवाओं और धाराओं की दिशा में भी बदलाव होता है। ये हवाएं जब अपनी पढ़ेंगे पवन वगैरह सेल्यूस में है तो फिर उनको अच्छे से और भी समझ लेंगे, क्योंकि ये गति के कारण ही, जैसे ये गति इस तरह से है तो हवाएं और जो जल की धाराएं हैं उनमें भी परिवर्तन होता है। दोस्तों दैनिक गति भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए दैनिक गति कहाँ होगी सर्वाधिक, तो देखिएगा वो भूमध्य रेखा पर होती है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जैसे जैसे ऊपर अपने जाते जाते हैं 45 डिग्री पर जाकर के कम हो जाएगी और ध्रुव पर जाकर के ये लगभग शून्य हो जाएगी। दोस्तों जैसे मान लीजिएगा ये है, इसको आप इस तरह से बांट लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, सबसे ज़्यादा फिर 45 पे जाएंगे तो धीरे धीरे जो है वो कम होती चली जाएगी, यहाँ पर आते आते कितनी होगी, लगभग शून्य ही हो जाती है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों पृथ्वी पर अक्षीय ये जो झुकाव है उसके कारण ही उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो हैं बारी बारी से सूर्य के सामने आते हैं, जिससे कि दोनों गोलार्धों में अलग अलग ऋतुओं का आनंद प्राप्त होता है। दोस्तों इसी के कारण क्या होता है दोस्तों, ये इस प्रकार से झुकी हुई है ना, और ये इस प्रकार से हैं, तो ये जो क्षेत्र है यहीं तक सामने रह पाता है सूर्य, तो यहाँ पर 6 महीने के लिए आता है, यहाँ पर 6 महीने के लिए आता है, और ये स्थिति बदलती रहती है, झुकाव के कारण ही बदलती रहती है दोस्तों, अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सारी कंडीशन एक जैसी होती। इसी के कारण यहाँ 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात, और इसी के कारण हम जो है अलग अलग ऋतुओं का आनंद लिया करते हैं। दोस्तों यदि झुकाव नहीं होता तो पृथ्वी पर क्या होता, दिन और रात बराबर होते और विभिन्न ऋतुओं का बनना भी क्या होता, असंभव होता। तो यहाँ से आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से परिभ्रमण गति का कौन सा प्रभाव है या नहीं है, तो सबसे पहला प्रभाव ये था दोस्तों कि इससे क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। दूसरा कि पृथ्वी की जो आकृति है उसका कारण भी हम यही मानते हैं। तीसरा हम लेंगे हवाएं और धाराएं हैं वो इसके कारण देखिए बदल जाती हैं, इसके कारण ही देखिएगा अलग अलग गोलार्धों में हमें अक्षीय झुकाव के कारण देखिएगा अलग अलग जो हमारे गोलार्ध हैं उनमें ऋतुओं का आनंद प्राप्त होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये परिभ्रमण गति आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कोरियोलिस बल के विषय में दोस्तों, जो कि घूर्णन गति के कारण ही बनता है, और इस घूर्णन गति के कारण ही देखिएगा क्या होगा, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा कौन सा है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध है, और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये ऐसे हैं, तो इसी के कारण क्या होता है दोस्तों, ये इधर जा रही हैं और ये इधर जा रही होती है। दोस्तों हवाएं इस कोरियोलिस जो इसकी गति है दोस्तों, इसी के कारण ही पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही जो है बल उत्पन्न होता है उसे हम कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं, और इसको जानना इसलिए आवश्यक है, इसी के कारण दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में कोई भी वस्तु जो होगी जिसमें विशेषतः हवा ले सकते हैं अपने, वो अपने दाई ओर मुड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसीलिए आप पवने देखोगे तो इस प्रकार से आगे जाकर के पवने और धाराएं हैं वो इस तरह से चलती हैं। तो उसका कारण हम कोरियोलिस बल भी लेकर के चलते हैं। तो ये जो बल है वो किस कारण उत्पन्न होता है, घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। ये अपना नॉर्थ पोल रह गया, ये साउथ पोल हो गया। कोरियोलिस बल जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पर सबसे कम होता है। विषुवत रेखा पर क्या होगा दोस्तों, सबसे कम होगा, लेकिन जो आपका ध्रुव है वहाँ पर कोरियोलिस बल जो है वो सबसे ज़्यादा लगता है। दोस्तों यहाँ इस बात को समझ लीजिएगा, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। हमने कहा कोरियोलिस बल उत्पन्न क्यों होता है, ये भी जरूरी है दोस्तों, किस लिए वो भी देखेंगे अपने, कि पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है उसके कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, या आप परिभ्रमण गति का प्रभाव के रूप में भी देख सकते हैं। अब ये करता क्या है, मुक्त रूप से कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो उसकी दिशा में परिवर्तन करने की ताकत रखती है। बल है तो उसमें ताकत तो है ही है दोस्तों, और इसी के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो वस्तुएं या पवने हैं वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। ये आप याद आपको रखना पड़ेगा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में तो कौन सा है दोस्तों, दायां है, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा है दोस्तों, बायां है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ऊपर तो दाईं तरफ आपको मुड़ेगी, और कुछ नहीं आपको याद रहता तो आप उस डायग्राम को याद रख लीजिएगा जिसमें अभी हमने देखा था डायग्राम। देखिएगा वैसे भी दोस्तों ज्योग्राफी जो है वो देखने की चीज़ होती है, जितना आप उसको देखोगे मैप
देखोगे, डायग्राम देखोगे, उतना ही जल्दी समझ में आता है। इसलिए मुझे यहाँ पर डायग्राम का काम भी ज़्यादा करना पड़ता है दोस्तों, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। वस्तु की गति जितनी ज़्यादा होगी बल भी उतना ही अधिक होगा। ये बात भी समझ लीजिएगा कि वस्तु की गति जितनी होगी उतनी ही जो है बल उस पर ज़्यादा काम करता है। जितनी उसकी क्या होगी दोस्तों, स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी उतना ही जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये इसके दोस्तों समानुपाती अपने कह सकते हैं। सर्वाधिक कोरियोलिस बल जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है और न्यूनतम जो है वो कहाँ पर होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होता है। अब यहाँ पढ़ने से शायद न याद रहे, लेकिन हमने डायग्राम में क्या देखा था, मैक्सिमम कहाँ था, ऊपर था, और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में इसका मान जो है वो कैसा होता है, शून्य होता है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, इसके कारण वस्तु की दिशा में परिवर्तन तो होता है लेकिन वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। हमने क्या कहा, वस्तु की दिशा में तो परिवर्तन होता है लेकिन वस्तु की गति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। तो ये था कोरियोलिस बल, हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी के कारण देखिए आगे हमें पढ़ना है चक्रवात और प्रतिचक्रवात, हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। चक्रवात और प्रतिचक्रवात जो है वो कोरियोलिस बल के कारण उत्पन्न होते हैं, इसका ये भी एक कारण होता है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति के संबंध में। परिक्रमण गति क्या कही थी हमने, सूर्य के चारों ओर जो गति होती है हम उसे परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर ये चलती है दोस्तों। तो यहाँ आप इसको देख लीजिएगा, ये जो आपने कर्क और मकर रेखा पर सूर्य होता है उसे अपने अयनांत कहते हैं, और जब ये भूमध्य रेखा पर होता है तो हम इसे विषुव के नाम से जानते हैं। इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो समझ जाएंगे, ये हमारे सूर्य देवता हैं दोस्तों। दोस्तों ये कंडीशन है हमारी 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर और ये 23 सितंबर, ये आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। हम 21 जून की बात करें तो कर्क रेखा पर जो है हमारा सूर्य सीधा चमकेगा, क्योंकि ये लास्ट कंडीशन होती है, कर्क के बाद में ये नीचे आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ये कहाँ चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है क्या होगी दोस्तों, गर्मी होगी, तो इसलिए हम इसे ग्रीष्म अयनांत के नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से अगर अपने देखें तो दक्षिणी गोलार्ध वाले अपने हिसाब से देखेंगे दोस्तों। तो हमारे यहाँ कर्क रेखा पर ये चमकती है, इसलिए हमने इसे क्या कहा, ग्रीष्म अयनांत कहा। अब देखिएगा दिन बड़ा होगा कि छोटा होगा, इस समय दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी ज़्यादा है। अब यहाँ सारी कंडीशन कैसी होगी, विपरीत हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इस समय बिल्कुल उल्टा होगा, यहाँ सर्दी होगी। कौन से गोलार्ध में, ये इसका जो विपरीत है दोस्तों, क्योंकि मकर रेखा नीचे रह गई दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, पिछला हिस्सा रह गया, इसलिए जो दक्षिणी गोलार्ध है अगर यहाँ बहुत गर्मी है तो यहाँ सर्दी होगी, यहाँ सर्दी है तो ऊपर गर्मी होगी दोस्तों, उल्टा चलता है ये हमेशा। तो 21 जून को अपने ग्रीष्म अयनांत के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री कर्क रेखा हमारी होती है, यहाँ इतना ही हमें याद रखना था। फिर ये आगे चले तो जून के बाद में देखिए क्या आया, सितंबर, सितंबर में देखिए विषुवत रेखा पर आ गया है, इसलिए हम इसे विषुव कहते हैं दोस्तों, और ये शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही विषुव है दोस्तों, विषुवत रेखा होने के कारण। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, फिर आता है अपना शीत अयनांत। शीत अयनांत इसलिए कि सूर्य कहाँ पहुँच गया, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर हैं, कर्क रेखा कहाँ रह गई दोस्तों, ऊपर रह गई, तो कर्क रेखा तक सूर्य नहीं पहुँच पाता है। तो कर्क रेखा में क्या हो गया, हमारे वाले उत्तरी गोलार्ध जो हैं उसमें तो क्या होगी, शीत ऋतु हो गई, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी होगी। जैसा हमारा यहाँ था वो इस दिन होता है दोस्तों, उल्टा हो गया। हमारे देखिए दिसंबर में क्या होती है, सर्दी होती है, और उधर क्या होती है, गर्मी की। अब देखिएगा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने ऑस्ट्रेलिया को ले सकते हैं दोस्तों। अब ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में, और उसकी स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी भारत की है दोस्तों। तो जब यहाँ पर हम सर्दियों में देखिएगा 22 दिसंबर में जब होगा हमारा, 25 दिसंबर होगा, तो यहाँ तो हमारे क्या होगी, सर्दियाँ होंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी दोस्तों, यहाँ देखिएगा सूर्य कहाँ है, मकर रेखा पर है, तो यहाँ पर क्या होगी, देखिए गर्मियों में, हम तो
जो है बड़ा दिन मनाते हैं, क्रिसमस जो हम मनाते हैं दोस्तों वो तो सर्दियों में मनाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिसमस को कब मनाते हैं दोस्तों, वहाँ पर तो गर्मी होती है। उम्मीद करके देखिएगा, एक ही त्यौहार को दो तरीके से मनाया जा रहा है, खाली ये लोकेशन का फर्क है, ये झुकाव के कारण ही ऐसा हो पा रहा है दोस्तों। फिर 21 मार्च को हमारी ये कंडीशन आ जाती है, इसके हम बसंत देखिए विश्व मानते हैं, और इसी के कारण ये हमारी ऋतुएं बनती हैं, गर्मी और सर्दी की ऋतुएं बनती हैं। अब कर्क रेखा पर नहीं है इसलिए हमारे यहाँ कौन सी हो गई, शीत हो गया, इसलिए हम इसे शीतैनांत के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। पृथ्वी की परिक्रमण गति हम किसे कहते हैं, तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर की जाने वाली परिक्रमा यानी सूर्य के चारों ओर की गति को ही हम पृथ्वी की परिक्रमण गति के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितने दिन लग जाते हैं, 365 दिन और 6 घंटे का समय लग जाता है। 365 से 1/4 भी अपने लिख सकते हैं दोस्तों। अब क्या होगा इससे देखिएगा, पृथ्वी जो है ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर ही गति कर रही है, हम अध्ययन कर चुके हैं। कितना समय लगता है, 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है उसको एक चक्र पूरा करने में, यानी ये 6 घंटे जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे दोस्तों। 4 साल बाद में 6 चूँकि 24 घंटे हो गए, यानी एक दिन बढ़ गया, तो इस एक दिन को हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको 366 दिन का वर्ष बना देते हैं, जिसे अपने लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। लीप वर्ष में फरवरी जो है वो कितने दिन का होता है दोस्तों, 29 डेज का होता है। ये जो 6 घंटे बढ़े उनसे 4 साल बाद में एक दिन बढ़ गया, इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि जो साल है अपने उनमें 4 का भाग जिसमें जाता है वो तो कौन सा होता है, लीप ईयर होता है, अन्यथा नहीं होता। लीप वर्ष का मतलब उसमें दिन 366 है, ये एक दिन बढ़ा, वो कहाँ बढ़ता है दोस्तों, वो फरवरी में ही बढ़ाया जाता है। अक्षीय घूर्णन और परिक्रमण इन दोनों के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण होता है, तथा ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात जो होते हैं वो इसी कारण से होती हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं विश्व की, ये अपने पढ़ भी चुके हैं, उम्मीद करता हूँ अब तक सब कुछ आपके समझ में आ चुका होगा। ऐसी स्थिति देखिए विश्व क्या होता है, ऐसी स्थिति जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी ऊपर की जो कंडीशन हमने देखी थी, सूर्य कहाँ था, विषुवत रेखा पे था, तो उसे हम देखिए विषु कहते हैं। इस समय 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, पूरी पृथ्वी पर दिन व रात इस समय क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे, एक जितने ही होते हैं। बसंत विश्व जो है वो कितने को आता है, 21 मार्च को आता है, और शरद विश्व जो कितने को आता है, वो 23 सितंबर को आता है। ये डे आपको याद रखने पड़ेंगे, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अयनांत किसे कहते हैं, जब सूर्य की जो स्थिति है वो 23.5 डिग्री पर होती है तो उसे अयनांत कहते हैं। जब देखिए विषुवत रेखा पर है, इसको याद रखिएगा इस तरह से, विषुवत रेखा पर है तो तय ही तो हटाना है ना अपने को, तब क्या हो गया, विषु हो गया। और जब हम बात करें 23.5 डिग्री पे है तो वो करक भी हो सकती है, मकर भी हो सकती है, तो करक अयनांत और देखिए मकर अयनांत हो गए। करक पे चमकेगी तो हमारे यहाँ गर्मी होगी तो ग्रीष्म अयनांत हो गया, और मकर पे जाएगी तो हमारे यहाँ पर ठंड होती है दोस्तों, तो शीतायनांत हो गया वो। अयनांत क्या कहते हैं, जब स्थिति सूर्य जो है 23.5 डिग्री पर होता है तो अयनांत कहलाते हैं। वर्ष में 2 बार यह स्थिति बनती है। ग्रीष्म अयनांत कब आता है दोस्तों, जून में आता है, तो वैसे भी आपको याद रह जाएगा। इस समय उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे लंबा दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होगी दोस्तों, उल्टा होगा। सूर्य जो है इस समय कहाँ चमकता है, कर्क रेखा पर चमकता है। ग्रीष्म अयनांत यानी 21 जून को क्या होगा दोस्तों, सूर्य कहाँ चमकेगा, कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री पर, इसलिए हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। अगर हमारे यहाँ लंबा दिन है तो रात हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। अब उल्टा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहाँ क्या होगा, सबसे लंबी तो रात हो जाएगी, सबसे छोटा दिन हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, शीत अयनांत की बात करें तो 22 दिसंबर आता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में तो क्या हो जाएगा, रातें लंबी हो जाएंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो दिन क्या हो जाएगा, सबसे लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, किसी प्रकार से एक को याद कर लीजिएगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, चाहे आपका लिखा हुआ है चाहे नहीं लिखा हो। क्योंकि इस दिन जो सूर्य होता है वो कहाँ पर होता है दोस्तों, वो मकर रेखा पर हुआ करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में आगे हम बात करते हैं,
इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि संक्रांतियां जो है ये कर्क रेखा पर प्रवेश करना और मकर रेखा में प्रवेश करना, ये राशियों में प्रवेश करना, इस प्रकार से भी अपने कहते हैं, इन्हें हम संक्रांतियों के नाम से जानते हैं। तो ये संक्रांतियां जो है वो पृथ्वी को गतिशीलता प्रदान करती है और सूर्य तारों और नक्षत्रों की स्थिति में भी बदलाव इसके द्वारा होता है दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कौन सी संक्रांति है, ये दिसंबर संक्रांति है। दिसंबर में ये कंडीशन होती है और जून में ये होती है दोस्तों। ये देखिएगा सूर्य जो हमारा है वो कहाँ पर है दोस्तों, वो कर्क रेखा पर चमकता है। तो इसलिए ये कौन सी होगी, कर्क क्रांति होगी। यहाँ पर देखिए गर्मी का मौसम होगा, यहाँ सूर्य पूरी तरह से नहीं पहुँच पाता है, इसलिए थोड़ी सी क्या होती है दोस्तों, ठंड होती है दोस्तों। और यही हमारे देखिएगा उल्टा हो जाएगा जब अपने दिसंबर की बात करते हैं, तो ये मकर संक्रांति होगी, ये दिसंबर संक्रांति है और ये जून संक्रांति है दोस्तों। तो यहाँ शीत संक्रांति की बात करें तो वो 21 दिसंबर को आती है दोस्तों। इस समय क्या होगा दोस्तों, देखिएगा 6 माह की रात होगी ऊपर और 6 माह का क्या होगा ध्रुवीय क्षेत्र में दिन होता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ये सामान्य सी बात है, आप इसको देख लीजिएगा, कोई इसमें वो टिपिकल कंडीशन किसी प्रकार की नहीं है, क्योंकि पीछे सारी चीज़ें अपने देख चुके हैं। PDF आपको इसमें मिल जाएगी, आराम से आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अंतिम दौर में उपसौर और अपसौर के विषय में, ये क्या होता है दोस्तों। पृथ्वी की जो कक्षा है यानी जिस कक्षा में वो चक्कर अपने लगा रही थी, वो वृत्ताकार नहीं है, गोल नहीं घूमता है, बल्कि अंडाकार है। ये परिपथ उसका कैसा है, अंडाकार है, जिसमें सूर्य और पृथ्वी की दूरी परिक्रमण के अनुसार बदलती रहती है, यहाँ ज़्यादा हो जाएगी दूरी, यहाँ पर कम हो जाएगी दोस्तों। इसे हम उपसौर और अपसौर के रूप में देखते हैं। औसत दूरी है जो 150 मिलियन किलोमीटर है। अपसौर की कंडीशन क्या होती है, अब इसको देख लीजिएगा। अपसौर क्या होता है दोस्तों, अपसौर का मतलब जब सूर्य की जो दूरी है वो पृथ्वी से सर्वाधिक होती है, अप का मतलब ज्यादा होता है, सर्वाधिक होती है, 152 मिलियन किलोमीटर होती है, तो ये अपसौर का अपसौर होता है। यही नाम में कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों, अपसौर और उपसौर कौन सा होता है दोस्तों, ये निकटतम आपकी दूरी होती है। अब देखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे होता है प्राचार्य, फिर आता है उप प्राचार्य। उप प्राचार्य देखो ये आपने पढ़ा भी होगा, प्रधान, उप प्रधान, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाध्यापक, इस तरह के नाम आपने खूब सारे सुने होंगे, अधीक्षक, उपाधीक्षक। तो उप का मतलब होता है इसके बाद में यही है, इसके नज़दीक कौन सा है, इस पद के नज़दीक ये है, तो उप का मतलब आप नज़दीक से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूरी है वो निकटतम होती है, यानी 147 मिलियन किलोमीटर हो तो उसे हम उपसौर कहेंगे दोस्तों। वापस समझ लीजिएगा, उपसौर और अपसौर हम किसे कह रहे हैं, सूर्य के चारों ओर ये जो हमारी परिक्रमण गति थी, इस समय सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक या सबसे दूर होता है, कब होता है, कैसे होता है, उसके विषय में बात कर रहे थे। जब वो सबसे नज़दीक है यानी यहाँ वाली कंडीशन अपने ले सकते हैं तो उसे हम उपसौर के नाम से जानते हैं, और जब वो दूर है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसौर के नाम से जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो कक्ष है घूमने का वो अंडाकार है, इसलिए उसमें ये चेंज हमें देखने को मिलता है। उपसौर में पृथ्वी की यात्रा देखिए बिल्कुल कॉमन सेंस की सी बात है, उपसौर के कंडीशन में वो जल्दी पार कर जाएगा क्योंकि दूरी कम तय करनी है, अपसौर में उसकी दूरी ज़्यादा होगी इसलिए टाइम उसको ज़्यादा लगता है दोस्तों। दोनों गतियों और स्थिति में बदलाव के फलस्वरूप ही पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का जो वितरण है वो निश्चित होता है, कैसे होगा। इसके बाद में दोस्तों ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ भी चुका होगा दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, सच में आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। और अगर आप रीड का पूरा सिलेबस हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो आप निस्संदेह चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आपको केवल यहीं पर ही मिल रही हैं, न केवल क्लासेस बल्कि इनकी PDF भी आपको रोज़ाना उपलब्ध करवाई जा रही है। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।